बस एक मिनट स्टार्ट करते हैं, सब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन सा नृत्य हुआ था हमारा? ठीक ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी मतलब पीछे से 20वां टर्म निकाल। इसका दो तरीका बच्चों, आइदर आप इस सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए। समझिए बात को, अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम बच्चों फ्रॉम लास्ट। इंपॉर्टेंट यह बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट बोला है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसका दो तरीका बच्चों करने का। पहला क्या तरीका है, आप कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ मतलब ये सिंपल है, सीक्वेंस को उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, सीक्वेंस को उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द एपी इज 253, फिर आ जाएगा कितना, 5 मंथ का डिफरेंस में ना बात, तो आप उल्टा करके लिख देंगे और वहाँ से आप ए और डी निकाल के 20 टर्म्स निकाल दीजिएगा, तो बात एक ही हो जाएगी, है ना। 20वां टर्म पीछे से मतलब उल्टा करके आगे से 20वां टर्म याद, फिर आप चाहें तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, आपका मर्जी, आपको जैसे करना। मैं लिखाता हूँ फॉर्मूला आपको, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों an - n - 1 × d। याद रहेगा बच्चों, इधर आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फिर क्या करना है बच्चों, आइदर ये फॉर्मूला पुट करना, नहीं तो क्या करना है बताइए, दूसरा तरीका क्या है, हाँ सीक्वेंस को उल्टा करके 20वां टर्म निकाल लीजिएगा, जो आपका इजी लगे। ठीक है, वो कीजिए, ऐसे कुछ रोक टोक नहीं कि यही करना। तो ए एन मतलब क्या होता है बच्चों, आखिरी टर्म, आखिरी टर्म कितना बच्चों, सीक्वेंस का आखिरी टर्म कितना है, 253 माइनस एन माइनस वन। एन मतलब कौन सा टर्म निकालना था बच्चों, हमें 20 टर्म्स डी, डी तो मैं निकाला नहीं बच्चों, डी आप निकाल लीजिएगा, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इस सीक्वेंस में डी का वैल्यू कितना बच्चों, 5, तो हो गया 253 माइनस 19 × 5, और 253 माइनस 19 × 5 जो होता है 25, जो 195 सर ना, माइनस करके देखिए तो आंसर चेक कीजिए तो बच्चों आ रहा है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो एक बार देखें, सही है, देख लीजिए एक बार कितना आ रहा है, कितना आ रहा आंसर बच्चों, बच्चों आंसर कितना आ रहा है, 58। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो गया, एक बार देख लीजिए, और चाहें तो एक बार हम दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं, और सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों। सो ए पी फ्रॉम लास्ट, अगर हम इस ए पी को उल्टा कर दें तो हो जाएगा 253 कॉमा डॉट 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 1383, है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 253, एन का वैल्यू बोला 20 टर्म्स, डी का वैल्यू जरूरी नहीं कि इसी दो को माइनस करना, किसी दो को माइनस कर देंगे कंजुगेट टर्म्स को तो डी मिल जाता है, इतना पता ना बच्चों, तो डी हो जाएगा 8 - 13 मतलब कितना हो गया -5, है ना। अब ए 20 निकाल दीजिए, ए 20 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 19 डी, ए का वैल्यू 253 प्लस 19 × d का वैल्यू हो गया -5, वही आ गया 253 माइनस 95 मतलब हो गया 158, सेम आंसर है ना बच्चों, दोनों प्रोसेस में सेम आंसर है, देख लीजिए दोनों प्रोसेस क्लियर आपको समझ में आ गया, क्योंकि कहीं डाउट है बताइए, यहाँ से सेकंड प्रोसेस नहीं समझ में आते बताइए बच्चों, दोनों प्रोसेस क्लियर समझ में आ गया।
देखिए दोनों प्रोसेस लिख लीजिए आप, दोनों प्रोसेस याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत जनरली क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, जनरली बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जाम के समय में, हुआ एग्जाम टाइम में ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आएगा, तो याद नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो याद नहीं आएगा तो आप इसको याद रखिएगा कि मैं क्या बताया था, कि आप एपी को उल्टा लिख दीजिएगा और उसका जो टर्म बोला निकाल लीजिएगा, बात एक ही आता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान पर रखिएगा बच्चों, क्या ना भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 18 नंबर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 18 नंबर, ठीक है, देखिए फटाफट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th term of is 44. हाँ, find the first three terms निकालने के लिए आपको कहा है, तो first three terms मतलब पहला तीन term का मतलब बच्चों क्या निकालना है, A1, A2 ऐसा करके निकालना है, ठीक है ना, A मतलब A और A1 तो एक ही हो गया, सॉरी A1, A2 और A3, ये तीनों term आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, मैं बताया था कोई सा भी अगर आपको AP चाहिए बच्चों, कोई सा भी अगर आपको AP चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए उस AP का, A और D, अगर आपको ए और डी पता है बच्चों तो आपको जो बोला आगे आप निकाल पाएंगे, हाँ या ना बच्चों। चलिए तो ए और डी हमें पता होना चाहिए, तो ए और डी निकालते हैं बच्चों, ए और डी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, फोर्थ टर्म और एट टर्म को हम जोड़ें तो हमें कितना मिल रहा है, 24 बोला, तो फोर्थ टर्म मतलब ए फोर प्लस एट टर्म मतलब ए एट, कितना आ रहा है बच्चों, 24, फोर्थ टर्म कितना हो गया बच्चों, ए प्लस कितना डी, और एट टर्म्स कितना हो गया बच्चों, ए प्लस, बढ़िया, इक्वल टू 24, नाउ ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों, ए प्लस ए प्लस 10d इक्वल टू 24, लेट इट बी इक्वेशन 1। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, आप चाहते या मैं चाहता तो LHS से 2 कॉमन ले सकता था बच्चों, LHS से 2 कॉमन ले सकता था, हाँ या ना, कॉमन ले सकता था बच्चों LHS, लेकिन मैं नहीं ले रहा, अब क्यों नहीं ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेकंड इक्वेशन भी बनने वाला है, और सेकंड इक्वेशन में कहीं अगर 2 कॉमन नहीं गया तो, हालांकि कॉमन जाएगा मुझको पता है, मुझको तो आंसर भी पता है बच्चों, लेकिन मैं आपकी तरफ से सोच के बोल रहा हूँ कि हो सकता है पहला इक्वेशन से 2 कॉमन ले जाए और सेकेंड इक्वेशन में 2 कॉमन ना जाए तो फालतू का झंझट हो जाएगा, फिर से वही मल्टीप्लाई करो एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए फिर से मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट सेम करो, तो अपना प्रोसेस हम स्टेप क्यों बढ़ाएं, इसको इतना में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में आते हैं, सेकेंड कंडीशन में आते हैं, क्या बोला था, द सम ऑफ द सिक्स टर्म्स एंड टेंथ टर्म इज 44, द सम ऑफ सिक्स टर्म्स एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स टर्म्स मतलब क्या हो गया बच्चों, सिक्स टर्म्स मतलब ए सिक्स प्लस टेंथ टर्म मतलब ए टेन, क्या वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 44। नाउ ए सिक्स बच्चों, ए सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, ए सिक्स को क्या लिख पाएंगे हम, जल्दी बताओ, वेरी गुड, एस ए प्लस 5d, वेरी गुड बच्चों, ए प्लस, ए टेन को लिख पाएंगे, ए प्लस 9d is equals to 44. Now a plus a कितना हो गया बच्चों, 2a plus 40 plus 90 कितना हो गया बच्चों, 14d equals to 44. Let it be equals to 2. ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पे दोनों में एक coefficient सेम है, हाँ या ना, दोनों में एक coefficient क्या है, सेम है, तो हमको क्या करना है बच्चों, subtract करना है, subtracting equation 1 and 2, चलिए 1 and 2 को हम subtract कर देते हैं बच्चों, elimination method, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, अगर कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दीजिए, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ता है बच्चों, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो जन्म हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे तो सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करना दरकार नहीं, डायरेक्ट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सबट्रैक्ट करते हैं, तो हो गया 2a plus 10d is equals to 24 and second equation is 2a plus 14d is equals to 44, now माइनस, चलिए सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ना प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट, 10d माइनस 14d कितना हो गया बच्चों, माइनस 40, एंड 24 माइनस 44 कितना हो गया बच्चों, माइनस 20, ना नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 20/4 कितना हो गया, 5, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट कीजिए बच्चों, ए निकाल लीजिए, ए निकालने के बाद उसका पहला तीन टर्म लिख दीजिए, A1, A2, A3, फिर से कीजिए बच्चों,
दे पाएंगे? बढ़िया सबका है बच्चों, सबका हाथ के रुको में बताइए किस किस का आगे? दो जन, तीन जन हो गए। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। A1, A2, A3, तो यहाँ पे जब आप डी का वैल्यू पुट कर दें बच्चों, है ना, तो डी का वैल्यू पुट करने से आपको क्या मिलेगा? ना 2a + 10d = 24, तो 2a + 10 × d का वैल्यू 5 = 24। चेक कीजिए बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है ना, आप लोग तो सही किए हैं, लेकिन मेरा चेक कर लीजिए, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। तो 2a का वैल्यू हो गया 24 - 50, या 2a = कितना बन गया? -26। इधर कर देना बच्चों, या फिर a का वैल्यू कितना आ गया? -13। तो देयरफॉर द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज -13, उसमें डी जोड़ देंगे तो बच्चों सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो -13 में डी जोड़ा मतलब -13 + 5 कर दिया तो -8, -8 में डी जोड़ दिया तो कितना मिल गया? -3। इस तरह चलता रहा है, ठीक है। सो दैट इज -13 - 8 - 3, ठीक है बच्चों, क्लियर सबका? वो पहला तीन टर्म पूछा था ना सुष्मिता, तो पहला तीन टर्म मतलब क्या हुआ? पहला टर्म में आप डी जोड़े तो नेक्स्ट टर्म मिला, फिर डी जोड़े तो नेक्स्ट टर्म मिला, ठीक है। चलिए बनी, नेक्स्ट टर्म देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन 90 नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों नंबर 19, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में हम देखेंगे। क्वेश्चन वाला बच्चों, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, चलिए ठीक है, 1995 जो ईयर था उसमें सुबह राव काम करना स्टार्ट किया, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, मतलब साल का उसको कितना दरमा मिला था बच्चों? 5000, ठीक है, 5000। ओके, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर, ठीक है, हर साल उसका इंक्रीमेंट मिला ₹200 का। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपका सैलरी बढ़ता है तो उसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरा सैलरी ₹100 है, ठीक है, तो ₹100 सैलरी है, नेक्स्ट ईयर हमारा जो मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ बोला नहीं ठीक है भाई तुमको हर साल में ₹10 बढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब पहला साल मेरा एक साल के बाद मेरा नौकरी का हो जाएगा ₹110, फिर नेक्स्ट साल हो जाएगा मेरा ₹120, ऐसा करके सैलरी बढ़ेगा। तो बोला इस तरह बढ़ते बढ़ते सुबारों का सैलरी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया बच्चों? 7000 हो गया। कितना हो गया बच्चों सैलरी? 7000। पूछा हमें क्या? हमें पूछा बच्चों किस साल में ये जो सैलरी है वो 7000 हो, ठीक है, कितना साल में बच्चों? एक्चुअली किस साल में, कितना साल में, विच ईयर बोला तो कितना साल निकालना पड़ेगा, तब ना ईयर निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों सीक्वेंस क्या होगा हमारा। सीक्वेंस होगा पहला कितना? 5000, पहला साल का सैलरी 5000, फिर सैलरी हो जाएगा 5200, फिर सैलरी हो जाएगा 5400, इस तरह सैलरी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 7000। तो देखते हैं हम, देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5000। डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? डी का वैल्यू हो गया 200, बढ़िया। और जो nth टर्म है जो हमें निकालना है कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, वो nth टर्म कितना बच्चों? 7000। अब आप बच्चों आप an का फॉर्मूला पुट कीजिए, an का फॉर्मूला पुट करने के बाद आप n निकाल लीजिए, ठीक है, कीजिए। ओह सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया, इतना सैलरी नहीं है, 200 इंक्रीमेंट है, कीजिए। कर पाएंगे बच्चों n निकाल पाएंगे आप? n का फॉर्मूला पुट करना है बस और निकाल लेना है, ठीक है, ट्राई कीजिए।
2000 लिखोगे तो 1 होगा आंसर, 1 भी नहीं होगा, -1 चला जाएगा। हाँ बट बोलो, बने बने क्या बोले? हाँ लिख सकते, लिख दो। इन द ईयर 1995 प्लस 11 द सैलरी 7000। ठीक है, लिख दीजिए, कोई खराबी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ईयर पूछा है। ठीक है, एक्चुअली होना चाहिए हाउ मेनी ईयर्स होना चाहिए, लेकिन इन ईयर पूछ दिया तो ठीक है, इन ईयर का हम ईयर लिख देते हैं कौन सा साल में हुआ। बच्चों सबका 11 आ गया, किसी का नहीं आया तो बताओ, मैं करता हूँ। ठीक है, किसी का नहीं आया बताओ, चलिए बढ़िया, जिसका हो गया कोई इशू नहीं, किसी का नहीं हुआ तो बताओ बच्चों कि आंसर नहीं हुआ हमसे। लेकिन ये सब बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से होना चाहिए आप लोग का। ठीक है ना, इतना एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अगर आप एन का फॉर्मूला नहीं पुट करें तो कहीं गड़बड़ है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। चलिए क्वेश्चन आते, उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। रामकली कोई है? ठीक है, रामकली सेव रुपीज 5 इन द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, सॉरी रामकली है तो अपना हफ्ता का पहला हफ्ता में कितना रुपया जमा किया बच्चों? 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये जमा किया, 5 रुपये जमा करने के बाद वो अपना जो सेविंग्स था वो बढ़ाना स्टार्ट करती, मतलब पहला हफ्ते में 5 रुपये जमा की, फिर नेक्स्ट हफ्ता में क्या की जमा एक्स्ट्रा की, कितना 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा की। ठीक है, फिर इस तरह एक्स्ट्रा बढ़ाते बढ़ाते स्टार्ट की बढ़ाना, अब बढ़ाते बढ़ाते वो एक हफ्ता में कितना जमा कर ली, हर वीकली सेविंग बिकम्स एक हफ्ता में एक किसी एक हफ्ता में 20.75 रुपये जमा की। तो पूछा कितना हफ्ता में ये सैलरी जो है जो सेविंग है 5 रुपये से बढ़ के इतना रुपया आया हो। अरे बात समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन समझ रहे बच्चों? पहला दिन आप लोग 2 नंबर की, पहला दिन आप मैथ का 2 नंबर की, सेकेंड डे आप कितना की 4 नंबर कर दिए। ठीक है ना, मतलब 2 नंबर बढ़ाए, तो तीसरा हफ्ता आप 6 नंबर की, इस तरह किसी एक हफ्ता में आप 20 नंबर कर लिए, एक दुनिया का अजूबा हो गया, 20 नंबर कर लिए आप लोग। तो आपसे पूछा गया कि कितना हफ्ता के बाद आप ये 20 नंबर तक पहुँचे, तो इस तरह आपको बताना है। ठीक है, सेविंग्स में भी वही कोशिश, तो करते हैं बच्चों ट्राई। तो यहाँ पर बच्चों सेविंग्स में डायरेक्ट सोल्यूशन हम करते हैं बच्चों, एपी नहीं लिखे। स्टार्ट कितना रुपये से की बच्चों? सेविंग कितना रुपये से स्टार्ट की सेविंग करना? 5 रुपये से स्टार्ट की बच्चों, तो एक का वैल्यू हो गया हमारा 5। अब कितना रुपया बढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों? हफ्ता में कितना रुपया बढ़ाएगी सेविंग? तो डी का वैल्यू 1.75 हो जाएगा। उस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया बच्चों? 20.75 रुपये। तो एन का वैल्यू 20.75 रुपये। एन का फॉर्मूला पुट कीजिए बच्चों और एन निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कर पाएंगे बच्चों? चलिए फटाफट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए बच्चों। राहुल आज क्लास नहीं कर रहा है, राहुल है, अंकिता ठीक, वेरी गुड अंकिता क्लास में हो? मौसम है कि नहीं? मौसम है, एक मिनट बच्चों,
है, मंदिर है, राजकिशोर है, ध्यान है, सुगम है, नारायण है, आशीष 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 है, आदिल आदिल है, अनुपमा है, प्रतीक 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 है, ठीक ठीक ठीक, सुहेब है, सुमी है, सुष्मिता है, रेड्डी है, जन्म है, तानिया है, सचिन है, सरकार है। चलिए ठीक है बच्चों, सबका आ गया, किसका नहीं हुआ तो बताओ, मैं करता हूँ भोजन का ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ। नहीं है, चलिए कोई सुनी, जिनका नहीं हुआ देखिए, तो ए एन का वैल्यू हम पुट करते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस, सॉरी आंसर बेटा याद नहीं, एक मिनट आंसर कोई बता दो मुझको, आंसर कितना है भाई, टेन है, टेन है। चलिए तो ए एन का फॉर्मूला बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 20.75। अब ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू हो गया 1.75 इक्वल टू 20.75। ये प्लस 5 जाके उधर बच्चों माइनस हो गया, तो एन माइनस वन इंटू 1.75 इज इक्वल टू कितना हो गया 20.75 माइनस 5, तो एन माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल टू कितना हो गया 15, 15.75 या एन माइनस वन इक्वल टू 15.75 बाय 1.75। डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, ठीक है ना, अगर आप नहीं जान रहे डिवाइड करना तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करके फिर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आएगा। सो एन माइनस वन इक्वल टू 9 या एन इक्वल टू 10, देख लीजिए बच्चों। एक मिनट बच्चों, चलिए बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, सबको देख लीजिए 5.2 कंप्लीट हो गया। 5.2 में किसी को कोई सा नंबर में बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा सर, पूरा ब्लैंक है नंबर, ऐसा कोई सा नंबर है तो बता दीजिए आप, फिर हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर, चलिए बोला था 10 नंबर, द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सिस द 10th टर्म बाय 7 17 9, द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, दो टर्म दिया है बच्चों और पूछा व्हिच टर्म इज जीरो, ए एन को जीरो लेना है। देखो ए थ्री और ए नाइन का वैल्यू दिया है, ए थ्री का वैल्यू दिया है 4 और ए नाइन का वैल्यू दिया है -8, यहाँ से दोनों इक्वेशन बना लेना, पहला इक्वेशन हो जाएगा ए प्लस टू डी इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा ए प्लस ए डी इक्वल टू -8, ठीक है, सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेना, दोनों वैल्यू जो आएगा, ठीक है, दोनों वैल्यू आने के बाद इसको पुट कर लेना, इसको पुट कर लेना, आ जाएगा हमने सर आठ मिनट, एक मिनट रुको, हाँ बट सर एक मिनट रुके मैं बता रहा हूँ। हाँ मनीषा सुनो, वो मेल देना जरूरत नहीं है, लॉगिन वेबसाइट खोलो, ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद लेफ्ट साइड में 3 लाइन बना है, उसमें क्लिक किए, हाँ उसके बाद कोर्सेस में जाओ, लेफ्ट साइड का टॉप क्लिक किया, कोर्सेस में जाओ, बस उसमें क्लिक करो, उसमें 8-9 वीडियो दिखा दो, ठीक है, जो फीडबैक होगा प्रधान सर का व्हाट्सएप नंबर भी भेज देंगे, ठीक है, हाँ वेलकम है, बढ़िया बढ़िया मजा क्लास में।
बाय बाय। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है आवाज आ रहा है ना बच्चों? हाँ, अब देखिए हम 5.2 में पढ़े क्या बच्चों, 5.2 में पढ़े कि सम ऑफ एन सॉरी nth टर्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि ये एपी है, एपी में 10वां टर्म निकालो, 12वां टर्म निकालो, 15वां टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? और यहाँ क्या होगा बच्चों, हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। ध्यान रखने बात ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है बच्चों, ये आप इसमें बाय डिफॉल्ट समझ लीजिएगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट कहीं पे नहीं बोलेगा, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है भाई। अब मतलब समझिए मेरे बाप, ये कंसेप्ट आपका काम आएगा, नंबर 11 में आइए आपका कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक भी ए पी है बच्चों, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह एक आपका ए पी है बच्चों, दो दो का गैप में चल रहा है। ठीक है ना, दो दो का गैप में चल रहा है। फिर पूछता है भाई कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, एस वन, एस फॉर सम बच्चों, एस फॉर सम, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब क्या होगा बच्चों, सिर्फ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का सम क्या है भाई, वही खुद सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, 3। एस टू को बोलता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहला दो टर्म का सम निकालिए, तो पहला दो टर्म क्या है बच्चों, बढ़िया 3 + 5 कितना आ गया बच्चों, 3 + 5 का वैल्यू आ गया 8। एस थ्री का मतलब हो गया बच्चों सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, एस थ्री का मतलब हो गया बच्चों सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब पहला तीन टर्म का सम, तो हो गया 3 + 5 + 7, समझ रहे बात? तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना हो गया बच्चों, 8 + 7 कितना हो गया, 15, बढ़िया। तो बोलने वाला बात यह है बच्चों कि सम एस वन बोलता है मतलब वही क्या, फर्स्ट टर्म को ही खाली जोड़ो, किससे जोड़ो, किसी से नहीं जोड़ो, तो वही फर्स्ट टर्म ही हो गया। एस टू का मतलब हो गया बच्चों पहला दो टर्म को जोड़ो, मतलब क्या जोड़ो, a1 + a2 जोड़ो। एस थ्री का मतलब हो गया कि पहला तीन टर्म को जोड़ो, मतलब क्या जोड़ो बच्चों, a1 + a2 + a3, ठीक है ना, इस तरह सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का हम निकाल। लेकिन ये दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म के लिए पॉसिबल है बच्चों, लेकिन जब ये टर्म्स ज्यादा हो जाए, जैसे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हो जाए, या सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स हो जाए, या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर ज्यादा एन का वैल्यू ज्यादा हो जाए, तब तो हम ये ऐसा नहीं पुट कर सकते हैं, बार बार प्लस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन का, n/2 (2a) + n-1 (d), ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का, SN = n/2 (2a) + n-1 (d). क्लियर बच्चों, समझ में आया? हेलो, ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों, और इसी को हम तोड़ के लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अगर हम तोड़ दें n बाय टू, ये जो 2a था बच्चों, इसे मैं a + a लिख सकता हूँ, बात देखिए ना, 2a का मतलब a + a प्लस n-1 (d), अगर मैं ऐसा करके लिख दूँ, तो ये a + n-1 (d) किसका फॉर्मूला बच्चों, a + n-1 (d) ए एन nth टर्म का, तो SN का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है n/2 (a + an), तो आपको SN का दो फॉर्मूला बच्चों, आप जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये जो पहला फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये आपका हर जगह पर लग जाएगा, हर जगह पर लग जाएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ए और डी का वैल्यू पता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड फॉर्मूला लिखा है बच्चों, इसमें आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए, nth टर्म पता होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए, फिर हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं फॉर्मूला का। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स का, फिर हम इसका यूज देखते हैं। क्या अंकुश? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, और बच्चे लिख रहे? हाँ हाँ, श्रुति बोलो, कौन क्या बोला था, बोलो कोई, कौन क्या, हाँ बोलो श्रुति, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारे के लिए बेटा, क्या बोले थे, क्या फील कर लिए? नहीं समझा, सम एक बार मैसेज कर दो तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ये तो वॉइस मैसेज है। तीन फॉर्मूला कहाँ है यार, दो फॉर्मूला है, पर डब्बा में जो रखा हूँ।
सिद्धि मैसेज कर रहे हो क्या? सर वो फर्स्ट एंड टर्म्स समझ नहीं आया। श्रुति एंड टर्म्स का मतलब सुनो, अगर हम सिर्फ खाली लिखते हैं एंड टर्म्स मतलब मैं तुम्हें बोलूंगा कि पांच टर्म का सम निकालो। अब वो पांच टर्म तुमको कहाँ से लेना तुमको पता चला श्रुति? हो सकता है तुम तीसरा टर्म से स्टार्ट करती हो, बोले सर ये तो पांच टर्म पहला है। पांच टर्म का मतलब नहीं क्लियर है ना, पांच टर्म का मतलब क्या हो रहा है, कहीं से भी पांच टर्म उठा लिए। लेकिन फर्स्ट पांच टर्म का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, पहला से पांच टर्म मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। बात समझ रहे हो मेरा डिफरेंस बोलने का मतलब समझ रहे हो श्रुति? हाँ, जैसे मैं बोलूंगा कि तुम्हारा क्या बोलते हैं होमवर्क भेजो मुझको दो एक्सरसाइज। अब तुम कोई सा भी दो एक्सरसाइज उठा के भेज दिए मेरे को, हाँ सर ये तो रहा, आप तो बोले तो दो एक्सरसाइज ठीक। लेकिन जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा श्रुति पहला से दो एक्सरसाइज भेजो मुझको, तब तक तुम स्टार्टिंग से भेज पाओगे नहीं भेजोगे ना, वही चीज़ है। इसलिए हम बोला यहाँ पे बोला जाता है कि पहला एंड टर्म्स स्टार्टिंग से लो भाई, स्टार्टिंग से एंड टर्म्स का सम करो। ठीक है क्लियर? चलिए बढ़िया, आते हैं बच्चों 5.3 एक्सरसाइज में आते हैं। आप देख लीजिए बच्चों 5.3 एक्सरसाइज आ गया। तो क्वेश्चन ये रहा बच्चों, हमको बोला था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। जैसे आपको पहला सीक्वेंस दिया 2, 7, 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मतलब बच्चों एन का वैल्यू कितना दे दिया, कहाँ तक आपको इसका सम निकालना है, 10 तक। बढ़िया बढ़िया, तो बिटवान करते हैं बच्चों। बिटवान का एक ही था 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। बी का वैल्यू हो गया a2 - a1, a2 मतलब कितना हो गया 7 - 2 मतलब कितना हो गया 5, है ना। अब Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं बच्चों। अच्छा n का वैल्यू लिख लीजिए, n का वैल्यू कितना दिया बच्चों, सम अप टू 10 टर्म्स बोला है, मतलब n का वैल्यू दे दिया 10। तो Sn का फॉर्मूला हो गया बच्चों n/2 (2a + n-1)(d), ठीक है ना। पुट करते हैं बच्चों n, n के जगह पे कितना है भाई साहब, n के जगह पे 10/2 (2a), a के जगह पे कितना है 2, n के जगह पे है 10 - 1, d के जगह पे है 5। ठीक है, बस खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ। n बाई टू मतलब हो गया 5, 2 × 2 = 4 + 9 × 5 तो हो गया कितना अला 5 × 4 + 9 = 5 जाए कितना हो गया 45, या 5 × 49 (49 × 5) कितना हो गया 245। ये हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए बच्चों। इक्वल टू का है, यहाँ पे डबल इक्वल टू कहाँ आ रहा है। सेकेंड बिट कीजिए बच्चों,
सेकंड भी थर्ड भी ट्राई कीजिए। सेकंड बिट करें ना सर, क्या अंकुश? माइनस वन है, माइनस वन ही थी। चलिए ठीक है, ठीक है, 5505। मैं भी साथ में करता रहता हूँ, जिनका नहीं आ रहा होगा जिनको वो देखते रहेंगे। -37, -33, -29, -29 up to 12 terms। A का वैल्यू -39, D का वैल्यू -81, -33, -37, मतलब आ गया 4। और N का वैल्यू भी up to 12 terms, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला था एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू मतलब हो गया 12/2 इंटू टू ए, ए का वैल्यू -39 प्लस एन माइनस वन मतलब 12-1, डी का वैल्यू हो गया 4। ए का वैल्यू -37। तो 37 ये हो गया 35, 70 और 4 -74 ना, -74 ठीक लिखा हूँ, 70 हाँ। और हो गया +44, 11 × 4 = 44। तो ये हो गया 6 × -30, आंसर आ गया आपका -180 सेकेंड बिट, ठीक है। उससे थर्ड बिट फोर्थ बिट हो जाएगा बच्चों, सेम है, कुछ नहीं है, देख लीजिए थर्ड बिट और फोर्थ बिट कर लीजिए। हो गया, बिट फोर भी कर लो, खत्म कर दो इस नंबर चारों बिट। क्यों इसे देख लो, आंसर चेक कर लो पीछे के साथ।
देखो टाइम पे गलती हुआ होगा। ठीक है वही आसपास होगा, कैलकुलेशन है कुछ, ठीक है ना। कोई सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चों, सबका हो गया था ना, किसी का नहीं होगा तो बोल देना, रही ऐसे बैठना नहीं। अब सेकंड नंबर देखिए क्या बोला है, फाइंड द सम गिवन बिलो, ठीक है, सम निकालना। तो सम निकालना मतलब सम मतलब एस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एस एन का दोनों फॉर्मूला जो है उसमें हमको एन बाई टू वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें बच्चों एन पता है क्या, देखिए तो पिटवान में हमें एन का वैल्यू पता है बच्चों, नहीं। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस है 7 + 10 ½ + 14 + up to 84 टर्म्स। तो ये सीक्वेंस के लिए बच्चों, एपी के लिए ए का वैल्यू आपको मिल गया 7, ठीक है। डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी का वैल्यू कैसे निकालता है, a2 - a1। ए टू का वैल्यू दिया था 10½ - 7, 10½ मतलब ये हो गया 21/2 ना, 10 + 20 = 21 21/2 - 7 ऐसे हो गया बच्चों 2 का, तो गया 21 - 14 आ गया 7/2। चलिए आपको डी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए ध्यान से, बोलो कोई सुने, सुनिए सारे को प्लस करना है, आप कॉमा कॉमा देके लिखिए, प्लस प्लस देके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस वही रहेगा। कॉमा बोल रहे हो तो एरो नहीं, कॉमा रहता था नारायण, हाँ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लस रहे कॉमा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े क्लासेस में माइनस रहता है, ठीक है ना, इनटू भी इवन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में चेंज नहीं है। अब एंथ टर्म मतलब क्या बच्चों, आखिरी टर्म कितना है, 84 है, तो एंथ टर्म 84 हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला पुट करके एन निकाल लेते हैं। अब ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 84। ए का वैल्यू कितना था 7, एन का वैल्यू हमें नहीं पता था, डी का वैल्यू था 7/2 इक्वल्स टू 84। ये 7 जाकर उधर माइनस हो गया बच्चों, तो हो गया एन माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 - 7 कितना हो गया 77, या एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो गया 77 × 2/7 है ना, उल्टा होकर इंटू हो जाता है ना, इधर जाके डिवाइड हो गया मतलब उल्टा होकर इंटू हो गया, तो इंटू 2/7 हो गया, तो 7 × 1 = 7 = 11 जाए, एन माइनस वन इक्वल्स टू 22, या एन का वैल्यू कितना आ गया 20। अब बच्चों आपको सब पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया और ए एन भी। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है बच्चों, आप चाहें तो पहला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहला फॉर्मूला हर जगह पर लग जाता है बच्चों, सोचने का कोई डर को सोचने का कोई बात ही नहीं। पहला फॉर्मूला जो था हमारा एस एन का, ए प्लस एन एन बाई टू इंटू 2a + n - 1 × t, ये हर जगह लग जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम का बात ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप चाहें तो सेकेंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ अगर आप चाहें तो सेकेंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, वेरी गुड, क्योंकि ए एन हमको पता है, ठीक है। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एस एन का फॉर्मूला हो गया बच्चों एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिनको इस फॉर्मूला पुट करना कीजिए, नहीं करना है वो पहला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस बढ़िया एन क्या क्या नहीं, अगर लास्ट नहीं दिया होगा तो कभी ये फॉर्मूला भी यूज मत करना, अगर दिया नहीं तो क्यों परेशान होना, डायरेक्ट इसमें पुट कर देना।
अगर दिया है तो इसमें चाहो तो पुट कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है बच्चों, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि इस पुट में करना ही है, आपका मर्जी, आपको जो उस चीज में पुट करना पुट कीजिए, आंसर निकालिए, ठीक है, निकालिए। कितना आएगा बताइए, वन वन, ठीक है, और एक बार देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं किसका गलती है। हाँ एक ही बात है, 2093/2 और वो 1000 कुछ बोल रहा है, यदि बात है फिक्स नहीं, फिक्स नहीं बोल रहा, ठीक वही आ रहा है सर, 105 गलती गलती हो रहा है, ठीक करो, ठीक करो, वही तो मैं बोला तुम्हारा ठीक आ रहा है, बोले तुम मिक्स फ्रैक्शन में पहले बोल रहे थे ना, वही कहते हैं एन डब्ल्यू आई 23/2 ए डब्ल्यू आई 7 प्लस एन डब्ल्यू डी 84 तो 23/2 और ये कटने वाला है नहीं तो 91 है ना, तो 23 × 91 करते हैं, ये हो जाएगा 23 नहीं, हाँ नहीं जी 27 × 7 = 18 और 21 3921 मेरा लगा गया क्या, नहीं नहीं 23 × 9 = 27 = 18 18 × 2 = 20 होगा सर, 209 तो आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं 1046 हाफ जैसा आपका मर्जी लिखिए, बाकी दोनों बिट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, सेकंड सेकंड बिट थर्ड बिट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ठीक है, थर्ड बिट कर, बहुत बढ़िया, इतना जल्दी कैसे कर लिए तुम थर्ड बिट कैसे, कि एन का वैल्यू कितना है थर्ड बिट में नारायण, थर्ड बिट का ओहो चलो बढ़िया, चलिए बच्चों ठीक है, जितना कंप्लीट कर लीजिए आप, और आज का जो नंबर था उसे रिपीट कर लीजिएगा, मैं आपको क्या बोलते हैं चप हाँ कैलकुलेशन है खाली, उसमें क्या देख लो कुछ नहीं उसमें, खाली कैलकुलेशन देखो बैंक प्लस माइनस करती है, इसको बच्चों रिपीट कीजिए आप, जो जो किए उसी को रिपीट कर लीजिए, ठीक है,
ले लिया था जब तभी एक नंबर करे थे तभी कर लिया। बाय बाय। क्या 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 रिकॉर्डिंग? हाँ, बाय बाय टाटा।